सीए और एनआरसी के मुद्दे पर अब आरएसएस ने तैयार की कमान संभालने की रणनीति। सीए के समर्थन में देहरादून में होगा बड़ी रैली का आयोजन। उत्तरकाशी में बच्ची की मौत पर सवाल, लोगों ने जताई साजिश की आशंका। कार में जलती हुई मिली थी बच्ची की लाश। उधम सिंह नगर में दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दरिंदगी, नाबालिग लड़के पर लगा आरोप, परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। हरिद्वार में बढ़ती ठंड से परेशान लोग, रैन बसेरों में नगर निगम ने नहीं किया अलाव और हीटर की व्यवस्था। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा, बीआरओ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत, दो लोग घायल। रामनगर में खेत में पलटी स्कूल बस, हादसे में 6 बच्चों की को लगी चोट, राजस्थान से नैनीताल घूमने आए थे बच्चे। कोटद्वार की सिरकुल स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल हुआ खाक। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज, सीएम ने किया इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। कोटद्वार अवैध खनन को लेकर प्रशासन की छापेमारी, सुकरो नदी में एसडीएम का छापा, 7 ट्रैक्टर ट्रॉली किए सीज। और पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, बिजली विभाग ने कराई बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हुए बिजली के तारों की मरम्मत। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।